नमस्कार। एक नए ब्लॉग में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बड़ी बड़े आकार में जो हाथी जो बनाए गए हैं, हाथियों को एलिफेंट यानी बनाए गए हैं, इसका निर्माण कराया गया है। ये काफ़ी सुंदरता जो है इस पार्क की सुंदरता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इनका एक ही आकार में सारे हाथी बनाए गए हैं चारों तरफ, और काफ़ी अच्छा लगता है। ये विशाल हाथियों का झुंड, जिसे कहते हैं कि हाथियों का निर्माण कराया गया था अंबेडकर पार्क के अंदर, ये चीज़ मौजूद है। और बाकी में काफ़ी कलाकृति के बीच में जो है वो आपको जो देखने को मिलेंगी अद्भुत चीज़ें। और यहाँ विशाल लंबे लंबे हाथियों का निर्माण कराया गया, यानी उनकी जो है वो डमी बनाई गई है हाथियों की, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत आप लोग को देखने को मिलेगा। ये लंबी कतारों में जो है हाथियों का निर्माण कराया गया था, क्योंकि ये उस समय का निर्माण किया गया था जिस समय में जो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और बहुजन समाज पार्टी से उनकी जो पार्टी है उस पार्टी से थी। उसके साथ साथ जो है वो मायावती की जो पार्टी का जो चिन्ह है, यानी चुनाव चिन्ह जो है वो भी हाथी है, और क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ था तो उन्होंने इन हाथियों का जो है निर्माण किया गया था। काफ़ी मजबूत जो है हाथी बने हैं, काफ़ी बड़े आकार में जो है हाथियों को बनाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे नज़ारा, क्योंकि लगभग इन हाथियों की संख्या भी काफ़ी है, लगभग 100 से ऊपर जो हाथी हैं दोनों साइड में जो है मेरे आगे और मेरे बैक फ्रंट पे मेरे ये हाथियों को जो है वो यहाँ पार्क के अंदर सजाया गया था, और काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बड़े आकार में ये जो हाथी हैं, बड़ी अच्छी सुंदर जगह है, सुंदर जगह महसूस होती है, क्योंकि हाथियों का जो निर्माण है वो भी एक अद्भुत कला का एक अनूठा नमूना है, क्योंकि एक साथ और एक से सारे हाथी जो हैं वो यहाँ पर हैं, और जिस तरह से इनको सजाया गया है, इन्हें दिखाया गया है, वो बहुत ही दिलचस्प लगेगा आपको देखने के लिए, और अच्छा महसूस करेंगे आप। क्योंकि जब भी आप लखनऊ आइए तो अम्बेडकर पार्क आप ज़रूर आइए, और बाकी में ये बहुत अच्छी जगह है, और परिवार के साथ घूमने का काफ़ी अच्छी जगह आपको महसूस होगी, क्योंकि बहुत ही सुंदरता का जो प्रदर्शन है, कलाकृति का जो प्रदर्शन है, वो इस पार्क को जो दर्शाता है। वाकई बहुत मेहनत की गई है कारीगरों द्वारा, और इसका निर्माण ये फ्रंट पर देखें कि चारों तरफ जो है हाथियों को बनाया गया है, दूर दूर तक जो है वो हाथियों को बनाया गया है। इसके साथ साथ जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको महसूस होगा। सबसे मेन चीज़ जो हम कहेंगे, सबसे मेन बात जो कहेंगे कि यहाँ की जो साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है, और साफ़ सफाई क्यों ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता तो सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग अपने आसपास कोई कूड़ा इकट्ठा ना होने दें या कोई गंदगी ना इकट्ठा होने दें, जिससे खूबसूरती के साथ साथ जो स्वच्छता से जो बीमारी है वो ना फैले। लेकिन इस पार्क में अन्य पार्क के अलावा मैंने देखा कि इसमें जिस तरह से सुंदरता के साथ साथ जो है वो दिखाई गई है, यानी क्या कहते हैं खूबसूरती को दिखाया गया है, वो काफ़ी हद तक जो है अच्छा महसूस हुआ है। हाथियों की जो झुंड है, या दूर तक देखेंगे मेरे दोनों साइड में, मैं हाथियों के बीच में यानी हाथियों के शहर में खड़ा हूँ, और काफ़ी हद तक जो है वो आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर कुछ कारणवश जो है ये जो दो मूर्ति दिख रही हैं, एक इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की है, और एक काशीराम जी की मूर्ति का निर्माण भी कराया गया था उस समय में, और उस समय में काफ़ी जो है वो काम किए गए हैं, काम कराए गए थे, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके। और विशेष तौर पर यहाँ पे यहाँ की साफ़ सफाई है, जो स्वच्छता है, उसको देख के बेहद काफ़ी जो है मैं अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे पार्कों में आजकल स्वच्छता को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, और गंदगी कूड़ा कचरा या चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लोग डाल देते हैं अपने यूज़ करने के बाद, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो साफ़ सफाई है, जो प्राधिकरण के जो लोग हैं वो वाकई में मेहनत करते हैं और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की और बसपा की सुप्रीमो जो मायावती हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम जी, स्वर्गीय काशीराम जी,
उनकी लंबी लंबी प्रतिमाएं जो है बनाई गई हैं, और इस प्रतिमाओं को यहाँ पर यानी उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया काशीराम जी की याद में, और काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जिस तरह से जो यहाँ पर दिखाया गया है, और क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ बहुत अच्छा यहाँ पर आपको महसूस होगा। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो इन मूर्तियों को बनाया गया है। अपने कैमरे से मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे जो एक लंबी जो हाथियों की जो बस्ती है उसको मैं छोड़कर ऊपर आया हूँ, और यहाँ पर जो प्रतिमा है मायावती जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, बसपा सरकार में जो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी की, जो है जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 30 से 35 फीट जो है ऊंची ये प्रतिमा है, और इसके साथ साथ जो है ये काशीराम जी की जो है प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर ये पूरा नक्शा है जो इस अम्बेडकर पार्क का है वो दर्शाया गया है, ये पूरा ही नक्शा। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर, चारों तरफ से ऊपर का जो सुंदर नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हाथियों का झुंड जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि और भी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर जिसको दर्शाया गया है।